आप देख रहे हैं जननायक एक्सप्रेस न्यूज। माननीय प्रधानमंत्री व माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं को सशक्तकरण करने के लिए कटिबद्ध हैं। मौजूदा सरकार महिलाओं की सुरक्षा व उनके बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में हरदोई जनपद में 614 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 14 मुस्लिम जोड़ों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने कहा कि आज बहुत शुभ दिन है, वर वधु ने नए जीवन में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले तो वह बहुत कुछ कर सकती हैं। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने नव विवाहित जोड़ों को बधाई देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना दी। उन्होंने कहा कि 35,000 रुपए कन्या के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। कार्यक्रम के उपरांत मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि ने कुछ जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया। सूचना विभाग में पंजीकृत दल प्रयास भजन कीर्तन पार्टी ने विवाह गीत प्रस्तुत किए। आयोजन स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कैंप लगाया गया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार, उपनिदेशक कृषि डॉ नंदकिशोर, PD DRDA PP त्रिपाठी, DSTO राम प्रकाश व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जय भी स्वागत है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में। आज की मुख्य अतिथि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा आदरणीय श्रीमती रजनी तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत आदरणीय श्रीमती प्रेमावती जी, श्री पी के वर्मा जी, आदरणीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हरदोई श्री मधु मित्र जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अजीत सिंह बब्बर जी, मुख्य विकास अधिकारी हरदोई, उपनिदेशक कृषि और मंच पर और हमारे यहाँ सामने दिख रहे हमारे समस्त अधिकारीगण और जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न विकास खंडों से आए हुए सभी नव विवाहित जोड़े, उनके माँ बाप, उनके परिवारजन, उनके शुभचिंतक और यहाँ शादी हमारे कराने वाले हमारे पुरोहित, हमारे पंडित जीगण और मीडिया के साथी। सर्वप्रथम मैं आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आप सभी लोगों का, अपने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभी नव विवाहित जोड़ों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ में मंच पे मौजूद जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बर जी, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी पी के वर्मा जी और यहाँ पे नगर पालिका के चेयरमैन सुख सागर मिश्रा मल्लू जी, सभी अधिकारीगण और यहाँ पे आए हुए जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं, जो जोड़े आज विवाह सूत्र में बंधे हुए हैं उनके साथ साथ यहाँ पे आए हुए उनके परिवारजन और बड़ी संख्या में मौजूद हमारे भाइयों बहनों, मीडिया से सम्मानित साथियों, जो जोड़े विवाह सूत्र में बने हैं उनको हम सब यहाँ पे बधाई देने के लिए आए हुए हैं। आप सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। आपके साथ साथ मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगी, जिन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी घर की लक्ष्मी है, उन्होंने उसको करने का काम भी किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई हैं। उन योजनाओं में हमारी बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, किसानों को समृद्ध करने के लिए, युवाओं को मजबूत करने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं।
अंगा मारने पर महोदय कन्या को पहना दे। कृपया बैठ जाए सभी से आशीर्वाद प्रणाम।